ये मारा बाएं हाथ से और ये मारा हैट्रिक 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 कितना जोर लगा लो मुंह में दे नहीं हो सकती ये बारी बाकी है अभी इतना मत उछलो आप इनको हैट्रिक चाहिए बराबरी पर आने के लिए बिल्कुल तो क्या लगता है बहू कर पाएंगी वापसी सांस लग रहेगी अच्छा आप भी जीतोगी दूसरा थ्रो ये भी मार दिया तीसरा थ्रो पिंकी जी का मुकाबला और ये मार दिया हैट्रिक नमस्कार मैं हूं प्रवीण गौतम और जॉय अप इंडिया में हम आओ दिन बनाए की दोबारा शुरुआत कर रहे हैं अब ये वीकली कार्यक्रम रहेगा और आज हम सास बहू का कंपटीशन कराएंगे हिट द विकेट का और दोस्तों ये टमाटर जो कि 200 रुपए किलो से ज़्यादा हो गया आजकल तो जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 किलो टमाटर और ये जो दूसरे नंबर पर टीम रहेगी हालांकि दो ही टीम है तो जो हारेगा उसे मिलेंगे 2.5 किलो टमाटर 5-5 महिलाओं की टीम है और सास टीम की कप्तान है उषा और बहू टीम की कप्तान क्या नाम राखी राखी तो आप में से पहला एक एक बारी बारी से 3 बार विकेट को हिट करना है एक बार आपकी टीम की सदस्य एक बार आपकी टीम की सदस्य तो पहले बारी किसकी लेंगे बहू की लेंगे भाई बहू की चल रही है इस टाइम बहू की चल रही है नहीं नहीं सास की ले लो सास की चलेगी सास की चलेगी टॉस करना है क्या टॉस करना है नहीं नहीं टॉस करना है ऐसा कुछ नहीं है पहले चलो चलो सास ले चलो कोई नहीं सास का कर लो चलो ठीक है पहली बारी बुजुर्गों का सम्मान है तो पहली मेंबर कौन आ रही है आपकी टीम से क्या नाम है आपका अंजू अंजू कभी गेम खेला इस तरह का कोई हिट द विकेट क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं पहली बार खेल रहे हैं मजा आएगा देखेंगे चलो बोल दो भाई बोल दो ये 3 बॉल है अंजू जी की बारी है चलो शुरुआत करते हैं गेम की हाँ इसमें मारना जी हाँ आप पीछे थोड़ा जगह दे दीजिए जगह दीजिए ये मारा ओ थोड़ा चूक गया कोई बात नहीं 2 बारी और है आपकी ये दूसरा थ्रो ये मार दिया तारिया खाता खुल गया है सास टीम का ये लास्ट थ्रो अंजू जी का 1-0 का स्कोर हो चुका है ओ बहू टीम से कौन आ रहा है क्या नाम है आपका मीनाक्षी मीनाक्षी तो 1-0 स्कोर है अभी तो आप पार कर पाएंगे आपको लगता है बढ़त दिला देंगे हाँ। कभी खेले हैं क्रिकेट वगैरह नहीं नहीं कभी नहीं खेले नहीं। हिट द विकेट कुछ थ्रो पिट्ठू कुछ नहीं खेला नहीं पिट्ठू खेला पिट्ठू खेला अच्छा पिट्ठू खेला तो देखते हैं एक्सपीरियंस काम आता है कि नहीं ये मारा बाएं हाथ से ओ अब बराबरी पर आ गया मुकाबला अब मीनाक्षी जी का दूसरा थ्रो ये मारा ओ अब बराबरी पर मुकाबला आखिरी थ्रो है मीनाक्षी का ये मारा ओ और बहू टीम 2-1 से आगे हो गई है अब सास टीम की बारी है अगली मेंबर किसकी बारी है क्या नाम है आंटी आपका अरबांस कौर अरबांस कौर कभी खेला है कुछ पिट्ठू क्रिकेट खेला है तो अब 2-1 से आगे हो गई है बहुएं तो कर दोगी बराबर देखी जाएगी ये तो मालिक जानता है अरबांस कौर जी कितनी उम्र है आंटी आपकी 71 तो 71 साल में कोई लास्ट टाइम कब गेम खेले थे बचपन में खेले थे आप लास्ट टाइम 52-53 साल हो गए खेले हुए चलो 52 साल बाद आपको गेम खेलने का मौका मिल रहा है ये लीजिए ये हरबंस कौर जी 71 साल की और पहला थ्रो मार रही है 2-1 से बहू टीम आगे है और ये मारा ओ कमाल कर दिया आपने पहला ही मार दिया मरवाया हमने बड़ी मारा 52 साल बाद खेल रही है और पहला ही थ्रो मार दिया चलो ठीक है अब 2-2 से मुकाबला बराबरी का है हम चाहते हैं आप तीनों थ्रो मारो ये लो जी अच्छा अब ये हरबंस कौर जी का दूसरा थ्रो मारो आंटी ओ आप तो पक्की खिलाड़ी रही हैं रही हैं बचपन में हमने बहुत कुछ करा अच्छा और क्या अब 3-2 से बढ़त दिला दिया आपने ये लास्ट थ्रो है आपका अब तीसरा थ्रो है हरबंस कौर जी का मारो माता जी जोर से हैट्रिक 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 कमाल कर दिया आपने लग तो गया अब हो गया 4-2 से सास टीम आगे हो गई है अब तो बढ़त आ गई कप्तान क्या कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस पे माता जी हमारी टीम आ गई है उम्मीद थी माता जी 71 साल की उम्र में ऐसा निशान लगाएंगे ये बात है हम तो 15 साल वाले को पीछे फेंकेंगे और क्या चलो बहू टीम की तरफ से आपका क्या नाम है जी गुड़िया गुड़िया 4-2 से आगे होगी ये सास
क्या बहुओं की इज्जत बच पाएगी क्या? देखो क्या होता है, बचनी चाहिए वैसे तो। कभी खेले हो पिट्ठू वगैरह क्रिकेट वगैरह? कुछ नहीं। कब खेले थे लास्ट टाइम कोई गेम? दुकानदारी कर रही है। सास की टीम आगे 4-2 से। अब गुड़िया जी पहला थ्रो मार रही है, ये ओ चूक गई। 4-2 से गुड़िया ही रह गई, गुड़िया ही रह गई। चलो दूसरा थ्रो, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। ये दूसरा थ्रो मारा, ओ ये भी मिस हो गए। 4-2 से सास की टीम आगे और ये गुड़िया जी का लास्ट थ्रो है, ओ एक भी नहीं लग पाया। अब तो जीत की उम्मीद है। अब 4-2 से सास की, दोस्तों 4-2 से सास टीम आ गया है। अब जो है कौन सी, कितने मेंबर हो चुके? दो हो चुके। हाँ अब तीसरी मेंबर की बारी है सास टीम से। आप आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आंटी आपका? चंपा देवी। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जोर से। डरा के रखती है क्या? नहीं नहीं। अच्छा चंपा देवी डरा के रखती है, ये बुआ को डरा के रखती है। आंटी कब खेले थे कब कोई गेम? कभी नहीं खेले। चलो आज खिलाते हैं आप। ये जी ये चंपा देवी, कितनी उम्र है आंटी आपकी? उम्र का तो हमारा पता है, 60-70 70 से ऊपर है। चलो शुरुआत करते हैं। ये चंपा देवी ने मारा थ्रो, ये मारा, ओ बच्चों को ही मार दिया, कोई बात नहीं। ये दूसरा चंपा, ओ मार दिया। 5-2 5-2 से आगे होगी भी सास की टीम। अब आखिरी थ्रो है चंपा देवी जी का, मारो आंटी जोर से। ओ कोई बात नहीं, 5-2 से सास टीम आगे है। तीन मेंबर की बारी खत्म हो चुकी है, अब तीसरी मेंबर आएंगी बहु टीम से। कौन खेलेगा? आप आ जाओ जी। 5-2 से सास टीम आगे है, क्या लगता है आप वापसी करा पाएंगे? देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। अच्छा पिंकी, तो कभी खेले हो क्रिकेट वगैरह? खेले हैं। अच्छा स्कूल टाइम में खेले हैं। अच्छा स्कूल टाइम में खेलो। ये 71 साल की माता जी, इन्होंने हैट्रिक मार दी, तो क्या लगता है आप मार पाएंगे हैट्रिक? देखते हैं, कोशिश करने कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। अब ये बहु टीम जो है पिंकी जी वापसी करा पाएंगी कि नहीं? 5-2 से आगे है सास टीम और ये तीसरी मेंबर आगे, और ये मार दिया। और अब फासला घट के रह गया 5-3। चलो ठीक है, अब ये पिंकी जी का दूसरा थ्रो, ये भी मार दिया। 5-4 मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है भाई। तीसरा थ्रो पिंकी जी का, 5-4 से मुकाबला और ये मार दिया हैट्रिक। 5-5 से बराबरी आ गई। तभी तो पीछे खड़े थे हम के लास्ट में ही, लास्ट में बाद में तभी है। पहले सांस का मान रखा है कि सांस जीत जाए, बहू के में आके दिखाएगी ना अपना कि बहू भी है। तीन मेंबर की बारी खत्म हो चुकी है और मुकाबला है बराबरी पर 5-5। अब सास टीम की तरफ से चौथी मेंबर आ गई, क्या नाम आपका? किरण। कभी खेले हो? क्रिकेट वगैरह पिट्ठू वगैरह कुछ नहीं खेले? खेले। अच्छा 5-5 से मुकाबला बराबरी पर और ये मार दिया। और ये 6-5 से अब सास टीम आगे हो गई है, 6-5 से सास टीम आगे और ये 7-5 से 7-5 से सास टीम आगे है। बहुएं तेज नहीं हो सकती, कितना भी लगा लो जोर। क्या गारंटी? कितना जोर लगा लो, बहुएं तेज नहीं हो सकती। अभी अभी इनकी बारी बाकी है, अभी इतना मत उछलो आप। उछलो क्या, हमारी तरफ तो हो गया ना। चलो ठीक है 7-5 से और ये मारा 8-5 से, हैट्रिक लगा दी। तो किरण देवी ने हैट्रिक लगा दी है, क्या लगता है अब क्या बहुएं वापसी कर पाएंगी? अब चौथी मेंबर बहु टीम की 8-5 से मुकाबला जो है आगे सास टीम, 8-5 से मुकाबला, क्या लगता है वापसी करा पाएंगे? कोशिश कर लेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा कभी खेले हैं क्रिकेट पिट्ठू वगैरह? हाँ। बचपन में खेला, तो नहीं खेला है। इतने साल हो गए खेले? बहुत टाइम हो गया है। अच्छा तो ये लीजिए आपकी बारी शुरू होती है अब 8-5 से बहु टीम की वापसी आपके हाथ में है। अब ये पूजा जी का पहला थ्रो है, ये मारा ओ मार दिया। अब 8-6 से मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है भाई, मैच कमाल का है। और देखिए दर्शकों की भीड़ को भी खूब मजा आ रहा है। 8-6 से मुकाबला, 2 थ्रो बाकी हैं चौथी मेंबर की बहु टीम की और ये मारा पूजा जी ने अगला थ्रो, ये भी मार दिया। 8-7 से मुकाबला
बहुत रोमांचक होता जा रहा है। आखिरी थ्रो है पूजा जी का, पूजा जी मारिए आखिरी थ्रो, पूजा जी का आखिरी थ्रो ये मार दिया, वो चूक गया। अभी भी बढ़त जो है वो सास टीम के पास है और अब सास टीम की कप्तान के हाथ में है कमान। 8-7 से आप आगे, कप्तान कैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? देखिए आगे बढ़त तो करनी है, आखिरी मेंबर है अपनी टीम की, 8-7 से आप आगे हैं। चलो शुरुआत करते हैं, पहला थ्रो सास टीम की कप्तान का पहला थ्रो, ओए चूके। चलो दूसरा थ्रो मार दिया। 9-7 से आगे हो गई है सास टीम, 9-7 से आगे, 9-7 से आगे है, 9-7 से सास टीम आगे, आखिरी थ्रो है सास टीम का, ये मार दिया 10-7। अब तो इनको हैट्रिक चाहिए बराबरी पर आने के लिए। बिल्कुल, तो क्या लगता है बहू कर पाएंगी वापसी? सास ही आगे रहेंगी। अच्छा आप ही जीतोगे और क्या? बहू टीम की कप्तान राखी की बारी, अब क्या लगता है हैट्रिक चाहिए आपको बराबरी के? बहुओं को जिताऊंगी, बहुओं को जिताएंगे जी। और अब बहू टीम की कप्तान राखी के हाथ में कमान है, बराबरी पर आने के लिए हैट्रिक चाहिए, स्कोर है 10-7 का। ये लीजिए राखी जी, आपकी टीम की जो है वो हार जीत आपके हाथ में। शुरुआत करते हैं, पहला थ्रो राखी का ये मारा, अब जीत तो निश्चित हो चुकी सास टीम की, अब सम्मानजनक हार होती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। चलो ये मारा, ओए कहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज रे बिल्कुल। चलो चलो 10-7 से स्कोर है, सास टीम की जो है वो जीत निश्चित हो चुकी है, ये चूक गई। कोई बात नहीं, कप्तान तो खाता भी नहीं खोल पाई। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम खेल लिया, फर्स्ट टाइम खेल लिया, फर्स्ट टाइम में बहुत मजा आया खेलने में आंटी, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हार जीत तो होती रहती है, मजा आना चाहिए, वो तो है ही है। दोस्तों ये खुशी होती है, देखो छोटे छोटे गेम है, कोई ऐसी बड़ी धनराशि दांव पर नहीं लगी है, बस ये टमाटर जो है दिखा देता हूँ मैं, बहुत लाल टमाटर है एकदम से है, अगर अच्छा दो खेलेंगे। अच्छा टमाटर की महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सस्ती करनी चाहिए, ये थोड़ी कि इतनी महंगाई इनाम में मिल रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है? नहीं मजा तो आ रहा है, लेकिन जो अपनी कमाई से मजा आता है वो नहीं होगा। नहीं, खेल में भी तो मजा आता है। हाँ खेल में तो मजा है। दोस्तों आज के अगर मैच की बात करें तो देखो बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें सालों बीत जाते खेले हुए, तो ऐसे छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं उनकी जिंदगी में एक खुशी लेकर आते हैं, और बच्चों ने भी खूब मजा लिया। और मैन ऑफ द मैच है हरवंश कौर आंटी, जिन्होंने हैट्रिक बनाई 71 साल की उम्र, तालियां बजा दो इनके लिए। और ये सास टीम का इनाम है 5 किलो टमाटर, बांट लेना। और ये बहू टीम का है भाई 2.5 किलो टमाटर। अच्छा 3 किलो, कोई बात नहीं, गेम खेले इससे अच्छा क्या है, हमें फर्स्ट टाइम खेलना ही है, इनाम तो इनाम ही होता है, चाहे इतना हो चाहे इतना हो। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने सास टीम का मान रख लिया जानबूझ के? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल के जमाने में ऐसा करेंगी बहू? आपने आज कहाँ से लगा लीजिए, ये आज गलत है आपकी, जानबूझ के नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, अपना जोर हर कोई दिखाता जवानी मान सम्मान नहीं रहा, हमने भी दिखाया था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू आंटी, बहुत मजा आया आंटी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा कप्तान आप क्या कहना चाहेंगे, मजा आया? बिल्कुल मजा आया, हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज भी सास सास है, बहू बहू है। और इन्हें बहुत कुछ सीखने का, अब भी हम नया नया गेम खेल सकते हैं। ये कई दिन मजे लेंगे आपके, मतलब हारने वाली कप्तान राखी से बात करते हैं तो कई दिन मजे लेंगी सास अब? कोई बात नहीं, लेने तो बड़ी हैं, बड़ी है, गेम्स खेलने का तो फायदा मिला हमें, मनोरंजन तो हो ही गया, हो गया। और क्या? लड़ाई मत करना बस सास को, बिल्कुल कह रहेंगे लड़ाई में क्या मिलेगा, तीसरा बंदा फायदा उठा जाएगा हमारा, हम तो लड़ेंगे, हम तो एक होके रहेंगे, सास तो हमारी ही है, सास भी हमारी है, बहू भी हमारी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। तो दोस्तों यही इस कार्यक्रम का मकसद था, एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे ही उन लोगों को गेम खिलाते रहेंगे जिन्हें ज़िंदगी में अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जो लोग फंसे रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम उनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियां लेकर आते हैं। और जब ऐसे ऐसे गेम लोगों को कई साल बाद खेलने को मिलते हैं तो छोटे छोटे इवेंट भी खुशियां भर देते हैं ज़िंदगी में जो लोग रोज़ाना के काम में फंसे रहते हैं। तो आओ दिन बनाए का कुल मिलाकर यही मकसद है, अब दोबारा शुरुआत करें तो वीकली ये प्रोग्राम रहेगा और आपके बीच ऐसे ही हंसी खुशी से भरपूर एपिसोड लाते रहेंगे।
अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।